गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिमला शर्मा, हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। टुडेज वी विल टीच हिंदी लिटरेचर चैप्टर नंबर 1, पुष्प की अभिलाषा। स्टूडेंट्स, यू ऑल आर ओपन योर बुक एंड टेक आउट चैप्टर नंबर 1। ओके, शौर्य निकाली बुक, गुड। चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मीन्स फूल, अभिलाषा मीन्स इच्छा। ओके, तो फूल की इच्छा। अब हम पोएम, ये चैप्टर है पोएम कविता। इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं पाठ के बारे में कि पाठ हमें क्या सीख दे रहा है। ओके बेटा, सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता में कवि फूल की अभिलाषा के बारे में बता रहा है। अभिलाषा, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इच्छा कि वह किसी की सजावट के लिए, यहाँ तक कि देवताओं की पूजा तक में प्रयोग किए जाने के बजाय मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने में प्रयोग होना चाहता है। तो ये क्या था बेटा, इस पोयम का सार यानी समरी की तरह था कि ये हमें क्या समझाना चाहता है। तो फूल क्या चाहता है कि वो किसी की सजावट या देवता भगवान के सिर पे नहीं चढ़ना चाहता। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर बहादुर सैनिक जाते हैं, मुझे उनके राह में या जो बलिदान हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने में मैं प्रयोग होना चाहता हूँ। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अब चाह का मतलब क्या होता है बेटा, चाह का मतलब होता है इच्छा। ये है बेटा इनके वर्ड मीनिंग, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और आप चाहे तो यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके बेटा, चाह नहीं मैं, अब आगे लिखा है हमारे पास सुरबाला। सुरबाला का मतलब होता है बेटा अप्सरा, अप्सरा। ओके बेटा, अप्सरा, ठीक है। एक बार फिर से लिख के देखते हैं, इच्छा और अप्सरा, आधा प है ये, ठीक है। अप्सरा के गहनों में गूथा जाऊं। अब फूल की देखो क्या इच्छा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं किसी भी अप्सरा के गहनों में गुथना नहीं चाहता। मतलब इसका भावार्थ बेटा कि फूल कहता है कि मैं अप्सरा के गहने गुथकर, गहनों में गुथकर पिरो करके उसकी सुंदरता बढ़ाने के प्रयोग में नहीं होना चाहता, यानी उसकी सुंदरता को बढ़ाने के मुझे कतई ही चाह नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद, बिंद का मतलब होता है बेटा पिरोया जाना, ठीक है बेटा, पिरोया जाना। जैसे हम माला, मोतियों की माला बनाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, धागे में मोती और फूलों को पिरोते हैं, तो वो होता है बिंद। ओके, प्यारी को ललचाऊं। अब वो क्या कह रहा है फूल, वो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है या मेरी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी माला में, प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं और उस माला को पहनकर वो अपनी प्रेमिका या प्यारे को ललचाए यानी अट्रैक्ट करे, तो मेरी चाह ये भी नहीं है। तो इस पर चार लाइन में उसने कौन कौन सी चाह बताई, उसने बताया कि मैं सुरवाला यानी अप्सरा के गहनों में गुथना नहीं चाहता और मैं प्रेमी की माला में भी पिरोया नहीं जाना चाहता।
ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया? रागिनी आपको समझ आ गया बेटा? ओके आगे चलते हैं। राइटर कहता है कि पुष्प क्या कहता है कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं। अब देखो आगे, अब वो क्या कह रहा है, सम्राटों यानी कि बेटा महाराज राजा। ओके बेटा, तो वो कह रहा है, और शव का मतलब क्या होता है, लाश डेथ बॉडी पार्थिव दे, और हरि का मतलब क्या है बेटा, भगवान। समझ आया? अब इसका ट्रांसलेशन सुनो कि अब कहता है पुष्प कि मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे राजा महाराजाओं के पार्थिव देह पर डाला जाए। तो वो कह रहा है कि हे हरि कि हे भगवान, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मुझे महाराजा या राजाओं के पार्थिव देह पर डाला जाए। ओके समझ आ गया बेटा? आगे देखो, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं। अब यहाँ पे देवों का मतलब क्या है बेटा, देवता। ठीक है, देवों का मतलब क्या हो गया, देवता, और इटलाऊं का मतलब क्या है, इतराना। ओके बेटा, अब वो कह रहा है मुझे यह चाह भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और उनके सिर पर चढ़ाने के बाद मैं अपने भाग्य पर इतराऊं। मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पद पर तुम देना फेंक। अब वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे विनती कर रहा है, वो माली से कह रहा है, वन माली यानी गार्डन की बगीचे की देखरेख करने वाला। तो वो कहता है वन माली से कि हे वन माली, तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर तुम देना फेंक। पथ का मतलब बेटा क्या होता है, रास्ता। ठीक है, पथ का मतलब होता है रास्ता। तो उस पथ पर तुम देना फेंक, हे माली तुम मुझे तोड़ कर उस राह पर फेंक देना जहाँ से क्या हो रहा है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। मातृभूमि मतलब जन्म भूमि, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। शीश का मतलब क्या हो गया बेटा, सिर। जिस पत जाए वीर अनेक, वीर यानी बहादुर। ओके, तो कह रहा है कि मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जिस रास्ते से हमारे देश के वीर बहादुर सैनिक जाते हैं, तुम मुझे उस राह पर डाल देना। आई बात समझ में? तो वो क्या क्या इच्छा जाहिर कर रहा है अपनी, कि वो किसी भी सजावट में किसी के सिर पर कहीं भी नहीं चढ़ना चाहता, वो वहाँ जाना चाहता है। उसकी चाह है कि मातृभूमि जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए जो सैनिक जाते हैं उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप या उनके पथ पर मुझे डाला जाए। तो ये थी बेटा आपकी पोयम पुष्प की अभिलाषा। ओके आगे चलें, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अरहमा पार्थ, बेटा आया समझ में? ओके अब देखते हैं आगे। यहाँ पर आपके जितने भी मीनिंग्स मैंने लिखवाए थे उन सबके शब्दार्थ दिए हुए हैं। ओके बेटा, अब हम ओरल जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं, रिटर्न वर्क हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, फूल किसके गहनों में गुथना नहीं चाहता। तो किसके गहनों में नहीं गुथना चाहता, सबको पता है, कौन बताएगा, दिव्यांशी बताएगी, यस अप्सरा। किसके गहनों में नहीं गुथना चाहता, वो अप्सरा के गहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसके शव पर फूल चढ़ाए जाते हैं। तो किसके शव पे चढ़ाते हैं, कौन बताएगा, यस अक्षत, सम्राटों यानी राजाओं। ठीक है बेटा, सम्राटों यानी राजाओं।
ओके बेटा, अब आगे देखो। फूल कब भाग्य पर इतराता है? फूल कब अपने भाग्य पर इतराता है? तो कब इतराता है वो इतराता है कि जब उसे किसी देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है बेटा ओरल में, मातृभूमि पर कौन शीश चढ़ाता है? हमारे बहादुर सैनिक, बहादुर सैनिक। ठीक है, तो ये थे ओरल क्वेश्चंस। सो बेटा आज की क्लास में इतना ही, आगे रिटन क्वेश्चन आंसर और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।